माँ अपनी आई और अपनी पत्नी के साथ रहता है। पिताजी, पिताजी, साल खत्म होने वाला है और साल खत्म होने पर बंबई में अंग्रेज लोग बड़ा जश्न मनाते हैं। मेरे बाबा ने भी उनके लिए दावत रखी है घर पे। मैं चाहती हूँ कि राजा और उसके बाबा दोनों मेरे साथ बंबई चले, लेकिन यह है कि मान ही नहीं रहे। अब आप ही समझाइए अपने बेटे को। उस दावत में बंबई और आसपास के बड़े नामी गिरामी लोग आने वाले हैं, जो आपके बेटे की मदद कर सकते हैं उनका कारोबार बढ़ाने में। जरा समझाइए उन्हें। हरिओम हरिओम बहू, मैं उसे जाने के लिए तो कह सकता हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि वो मेरी बात मानेगा नहीं, समझी? तुम ही कोशिश करो केशव को मनाने की, और अब अपने कक्ष में जाओ। हमारे घर की बहू को इस तरह श्रमिकों के सामने आना शोभा नहीं देता, और बीच में मत टोको। मैं संता के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं, जाओ। जब से ससुर जी फिर से मुखिया बने हैं, मेरी कोई मदद नहीं करते हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? सरकार, मैं ये कह रहा था कि कान्हा जी की पत्नी गजब की सुंदर है, और ऐसी सुंदर औरत मैंने इस गांव में कहीं नहीं देखी। और जानते हैं सरकार, उसने मेरा परिचय ना तो अपनी आई से करवाया, ना ही अपनी पत्नी से। मुझे तो लगता है सरकार कि वो अपने परिवार को लेकर गोपनीयता बनाए रखना चाहता है। कैसे गधे हो तुम संता, कैसे गधे हो? क्या मैंने तुमसे ये जानकारी लाने के लिए कहा था कि उसकी पत्नी खूबसूरत है या नहीं है? मैंने तुमसे ये कहा था कि जाकर देखो वो आदमी भरोसा करने के लायक है या नहीं, कहीं उसके पास कुछ अविश्वसनीय तो नहीं है? वही तो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ सरकार, उसकी पत्नी बड़ी डरी सहमी हुई सी लग रही थी। जरा सोचिए, अफसरा सी सुंदर दिखने वाली औरत इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती है? धन दौलत होती तो बात समझ में आती, वो भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसने किसी अपला को अगवा कर लिया हो, नहीं तो बला की खूबसूरत दिखने वाली औरत इस जैसे साधारण दिखने वाले व्यक्ति से अपनी मर्जी से कैसे शादी कर सकती है? पिताजी, जब मैं आपसे महत्वपूर्ण बात कर रही थी, तब आपने कहा कि आपको संता जी के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है, इसलिए आपके पास समय नहीं है, और आप यहाँ बैठकर उस बदसूरत नौकर की खूबसूरत पत्नी का बखान सुन रहे हैं। हरिओम, ये तो मुझे घूर रहा है उसका ये दुस्साहस। संता, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। भ्रम हंस हंस के साथ ही जोड़ी बनाता है, कभी सुना है कौवे को हंस के साथ जोड़ी बनाते हुए? इन्हें किसने बताया होगा सुशीला के बारे में? बाबा बोलिए ना, भगवान के दर्शन कब करवाएंगे आप? बाबा आप मेरा अपमान कर रहे हैं। गाय से बात करने के लिए आपके पास समय है, लेकिन मेरी बातों का जवाब देने के लिए आपके पास समय नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे ना, तो मैं किसी ऊंची चट्टान से कूद जाऊंगा। अगर जीवित रहकर भगवान को नहीं देख पाए, मरने के बाद उन्हें देख लूंगा। ए, क्या सोच रही हो? जाओ जाकर सामान लेके आओ। जा रहा हूं। मेरी पत्नी के बारे में बताया किसने? इन मंदिरों में से कोई नहीं। तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई हो।
और तुम्हारी पत्नी जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूतनी हो जिसे कोई देख नहीं सकता। और कोई मुझे क्यों बताएगा, आज सुबह जब मैं तुम्हारे घर गया था तो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारी पत्नी को। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वही बात मैं सरकार को बता रहा था। वैसे राज क्या है तुम्हारा, इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे हाथ लगी कैसे? अरे कोई तरकीब है तो मुझे भी बता दो। अगर तुम्हारी सुंदर पत्नी जैसी पत्नी मुझे भी मिल गई ना, तो जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी मेरे। हाँ कपिला, मेरे साथ चलोगी तो बहुत देर हो जाएगी, तुम्हें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। मैं तुम्हारी डोर छोड़ रहा हूं, आगे क्या करना है तुम जानती हो। जाओ कपिला, तुम्हें आज अपने नए घर जाना है, जल्दी जाओ। चलो महादेव, अब तुम्हारी बारी है। सच साईं, तेरी महिमा मेरे साईं, कौन जान पाया। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। रुको, मैं अभी आई। कहां से आई हो तुम? मूर्पक, कृष्णा, इस घर के बाहर क्यों लेकर आए? भगवान यहां क्यों दिखाई देंगे? ईश्वर को देखने का एक ही तरीका है और वो है सेवा, और सेवा हमेशा किसी जरूरतमंद की करते हैं। मुझे क्या करना होगा? अंदर एक बुजुर्ग रहते हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनके साथ रहकर उनकी सेवा करो, और जैसे ही सेवा पूरी होगी तुम्हें ईश्वर दर्शन देंगे। बस इतनी सी बात? बुजुर्ग की सेवा करना तो पुण्य का काम है। मैं अभी जाता हूं और अब तो दर्शन करके ही बाहर आऊंगा।
भगवान होता तो मुझे ठीक कर देता, कमबख्त ना जीने देता है ना मरने देता है। भगवान में कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ दुख देना जानता है, सिर्फ दुख दिखा रहे से भगवान को। बाबा आपको मदद नहीं करनी थी तो पहले ही ना कह देते, ये सब करने का क्या मतलब है? इतनी जल्दी दर्शन भी हो गए? बाबा आप मेरे साथ ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ना? मैं तो सिर्फ अपना ज्ञान तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूँ। आप कोई ना कोई चमत्कार करके मुझे भगवान के दर्शन करा सकते थे, फिर आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं करनी उस बीमार की सेवा। बाबा बाकी सब तो एक बार मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन भगवान का तिरस्कार मैं कैसे सहूं? ऐसे नास्तिक की सेवा करके मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी बाबा? मैं तो ईश्वर को देखने का एक यही तरीका जानता हूं, अगर तुम्हें वो ठीक नहीं लगता तो तुम मत करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर ईश्वर को देखने का तरीका भी खुद ढूंढ लेना। अभिमान है उसे अपनी सुंदरता पर, अपने रंग रूप को लोगों को दिखाने का बहुत शौक है ना उसे, तो आज मैं उसका रूप ये हमेशा के लिए बिगाड़ दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। प्यारी है ये तो, ऐसा लगता है जैसे आपको पसंद करने लगी है। ये किसकी है? पता नहीं, खुद ब खुद यहाँ आ गई है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ईश्वर ने इसे हमारे लिए यहाँ भेजा है। परसों बाद इन्हें इतना खुश देखा है। मैं सोच रही थी क्या हम इसे अपने पास रख ले? हाँ क्यों नहीं, खुद चल के आई है तो रख लेते हैं। आज सुबह से ही हम पैसों को लेकर इतने परेशान थे, चिंतित थे, लेकिन अब इसके यहाँ आ जाने से हमारी बहुत मदद हो जाएगी। इसकी सहायता से हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मैं इसके दूध से दही बनाकर गांव में बेचूंगी तो आमदनी अच्छी होगी। मैं घूंघट डालकर ही जाऊंगी और आई को भी साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन आओ
भगवान के लिए मना मत कीजिएगा, हमें गुजारे के लिए और पैसों की जरूरत होगी और यही एक जरिया है जिससे हम सम्मान से रह सकते हैं और अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। तो कहो क्या फैसला है तुम्हारा? मैं अभी भी नहीं समझ पाया ऐसा करने की जरूरत क्यों है, पर भरोसा भी आप पर ही है। ठीक है, मैं करूंगा। तो अब जाओ, सेवा करो उनकी। राम जी भला करें। ठीक है, मैं इसके लिए चारा लेकर आता हूं। ये जब आज आए थे तो इनका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं तो डर गई थी कि आज न जाने मुझे क्या सजा मिलेगी, लेकिन जैसे ही उनकी तुम पर नजर पड़ी उनका गुस्सा छूमंतर हो गया। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि वो बिल्कुल बदल गए। ऐसा लगता है जैसे कृष्णा जी ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है मेरा जीवन बदलने के लिए। सुशीला आओ, अंदर आओ। काकी थोड़ा दही होगा आपके पास? मुझे दही जमाना है। हाँ है ना, अभी लाती हूँ। तब तक तुम बैठो। बाजी बाजी रुको, कुछ खाए बिना बाहर नहीं जाने दूंगी। पहले आप मुझे पकड़िए तो सही। लो। शुक्रिया काकी। धन्यवाद मुझे नहीं साईं का करो, हमारे पास जो है उसी की कृपा से है। साई? हाँ, यहाँ पास में ही द्वारका माई है, वहाँ रहता है, सबकी मदद करता है। इस गांव में हर किसी के सर पर उसका हाथ है, आशीर्वाद है। इसीलिए हम सबसे हर संकट हर विपत्ति दूर रहती है। कुछ साल पहले गांव में महामारी फैली थी, उस वक्त साई ने ही हम सबको उस महामारी से सुरक्षित रखा था। कहते हैं है तो बैरागी, लेकिन मन की आंखों से देखो तो भगवान दिखेगा। वो नर के रूप में नारायण। मतलब आपके भगवान है वो?
भगवान भी और बेटा भी। मैंने जन्म नहीं दिया पर उसे अपना बेटा माना है, और उसने भी मुझे अपनी माँ की भांति प्रेम सम्मान सब कुछ दिया है। इस गांव के हर किसी के साथ उसका एक अनोखा रिश्ता है, सबके सुख दुख समझता भी है और बांटता भी है। कोई उसे अपना भाई, कोई दोस्त तो कोई गुरु मानता है। जैसे रिश्ता भगवान से होता है ना, वैसा ही भगवान कृष्ण के लिए मेरी भी कुछ ऐसी ही भावनाएं हैं। मैं अपने सारे दुख दर्द उन्हीं से ही साझा करती हूँ। वो मेरे पिता हैं, भाई हैं, बेटे हैं, मेरी कोई औलाद नहीं है पर वो मेरे सब कुछ है। अजीब बात है ना, कैसे हम सब भगवान को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। चलती हूँ। नादान है तू, साईं खुद कहता है कि सबका मालिक एक, और साईं उसी मालिक का रूप है, वही कृष्ण है, वही शिव है। तू जब भी उससे मिलेगी तुझे भी ये विश्वास हो जाएगा। नहीं, लेकिन मैं चार वेदों का ज्ञाता हूँ, समाज में सम्मानित हूँ मैं। कितने महान हो, तो यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? जी, आपकी सेवा करने आया। आपकी सेवा करने आया। सेवा? सेवा? आज के युग में बिना स्वार्थ के तो बेटा भी बाप की सेवा नहीं करता है, तो तू क्या करेगा? जानते हो मुझे क्षय रोग हुआ, इसलिए मेरे परिवार वाले मुझे छोड़कर चले गए। हे देवा, मुझसे सेवा कराने के लिए साईं बाबा को क्षय रोग का मरीज ही मिला था। और कम वक्त ऊपर वाला धिकार है उसको। भगवान को कुछ मत कहिए। अरे क्यों रखे, कहाँ रखे, आजाद पर कहूंगा उसको। धिकार है, धिकार है, उसी ने तो मेरी ये हालत की है, उसे तो मैं दिन रात कोसता रहूंगा। कहाँ फंसा दिया साईं बाबा ने मुझे। उठिए, खाना बना के लाया। नहीं खाना। क्यों, अब क्या हुआ? पहले तू साफ साफ बता, यहाँ किस उद्देश्य से आया है? और ये सेवा करने का नाटक क्यों कर रहा है? मैं जो कर रहा हूँ पुण्य कमाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? अब खा लीजिए वरना भूखे रहना पड़ेगा। अब तो ये खाना छूऊंगा भी नहीं, ऐसी बेइज्जती की रोटी मेरे गले से नहीं उतरेगी। मैं कोई गाय बैल हूँ जो तू रोटी फेंकेगा? मैं खा लूंगा, ले जा। ठीक है, मत खाइए, मुझे क्या। चला था सेवा करने, सीधे मुंह बात तो होती नहीं तुझसे, मेरी सेवा करेगा। मैं तो ईश्वर को देखने का एक यही तरीका जानता हूं,
अगर तुम्हें वो ठीक नहीं लगता तो तुम मत करो। खा लीजिए ना, वरना कमजोरी आ जाएगी। मेरे हाथ मुंह कौन धोएगा? चारों वेदों के ज्ञाता हूं, इतनी भी अकल नहीं है? खाने से पहले हाथ मुंह धोना चाहिए। लीजिए। अब तो खा लीजिए। ना खाना खाऊंगा और ना तुझे पुण्य मिलेगा। जिस उद्देश्य से तू यहां आया है, खा लीजिए। ना, ऐसे नहीं, विनम्रता से कहो। ना जोड़कर गिरधर जी, खाना खा लीजिए। बोल बोल बोलना। गिरधर जी, आपसे विनती है, कृपया खाना खा लीजिए। लीजिए। पेड़ झुकना सीख रहा है, अच्छा है। जितना झुकेगा उतना ही फल देगा।
क्या बात है साई, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था। अच्छा दिन? किस तरह से साई? आज कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे बहुत लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा। मैं कुछ समझा नहीं। तात्या, हम भगवान से अक्सर मदद मांगते हैं, लेकिन भगवान मदद तब करते हैं जब हम उस दिशा में पहला कदम खुद उठाएं। नाकामी के डर से कोशिश ना करना, लेकिन भगवान से मांगते रहना, इससे कुछ नहीं बदलता। आज दो लोगों ने उस दिशा में पहला कदम उठाया है। यात्रा शुरू करने से ही मंजिल मिलती है। कहाँ रख दिया मैंने? ये बदलाव मेरे कान्हा के कारण हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा दही उन्हें अर्पित करूंगी। हे भगवान। बैठ बैठो भाई। आई पानी। क्या हुआ सासु भाई को? वो आई को अपने साथ मारुति मंदिर ले गया। वापस लौटते समय आई की सांसें फूल गई। ठंड का समय है, लगता है आई की दमे की बीमारी फिर से बढ़ गई है। सुन भाई, दही जमा। जी। सुन बच्चे, मेरे हालत ऐसे नहीं है कि मैं सुशीला के साथ जा सकूं। तू ही चला जा। आई, मैं नहीं जा सकता, मुझे तो काम पे जाना है ना। सुशीला ने मटकी भर दही जमा के रखा है, उसका क्या होगा? तो मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं सासु भाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसी हालत में आप बाजार जाएंगी तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। आप आराम करिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अकेले ही। मैं घूंघट डालकर ही जाऊंगी। वादा करती हूं मैं आपसे। खाओ मेरी कसम। आपकी कसम? मैं किसी को भी अपना चेहरा देखने नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी ने भी तुम्हारा चेहरा देखा तो तुम्हें इस घर में दोबारा कदम रखने नहीं दूंगा, समझी?
अब जाओ ना, मुहूर्त निकलवाना होगा क्या तुम्हें जाने के लिए? अपने कानों को दही का पहला भूख भी नहीं लगा सके। साईं, खाना शुरू करो। नहीं भाई साहब, आज मेरा दही खाने का मन कर रहा है। मैं अभी घर से लेकर आता हूँ। तात्या, आज घर में दही नहीं है। कल सुशीला आई थी दही मांगने, तो सारा दही मैंने उसको दे दिया। तो फिर मैं कहीं और से लेकर आता हूँ। दही ले लो, दही गाढ़ा मलाईदार मीठा दही। दही ले लो, दही दही ले लो, दही गाढ़ा मलाईदार मीठा दही। लीजिए साईं। तात्या, ये मीठा नहीं है, कहीं और से ला सकते हो? जरूर ला सकता हूं साई, अभी आया। दही ले लो, दही गाढ़ा दही। अब तक एक भी खरीदा नहीं आया। नीचे साई। ना, इसमें भी स्वाद नहीं। दही ले लो, दही मलाईदार दही। दही ले लो, साई एक ही दुकान और थी आज जहां दही मिल सकता था। देखिए, शायद आपको ये अच्छा लगे। ये भी मेरे मन लायक नहीं है। फिर आप ही बताइए ना साई, आपके मन लायक दही पूरी शिरडी में और कहां मिलेगा? ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरे मन लायक दही मुझे शिरडी में ही मिल सकता है। और जब तक मुझे दही नहीं मिलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तात्या, साई की ये जिद भी अकारण नहीं है। जरूर कुछ है जो चल रहा है इसके मन में। तुम जाओ, एक बार और ढूंढो। ठीक है आई। साई के क्या है, कौन जान पाए। साई, साई, साई मेरी मदद कीजिए। साई क्या हुआ पंडरी? साई मैं अपनी गायों को चराने के लिए जंगल के पास वाले मैदान में गया था। गुनगुनी धूप थी साईं,
मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो देखा कि गाय नहीं है। साईं, मैंने चारों तरफ ढूंढा मगर मुझे गाय कहीं नहीं मिली। मुझे डर है साईं, कहीं वो जंगल की तरफ नहीं चली गई हूं। अगर ऐसा हुआ तो हिंसक पशु उनका शिकार कर लेंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साईं, साईं, मेरी मदद कीजिए। साईं, सबूरी बंधरी, तुम्हारी गायों को मैं ढूंढ के ला दूंगा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। मैं भी आपके साथ चलूं। और कितना ढूंढूं, कहां ढूंढूं? साई, एक इशारा तो दीजिए। किसी ने भी दही नहीं खरीदा, अब क्या करूं? वहीनी, आप कानोजी भाव की पत्नी है ना? जी। कला पाई से दही मांग कर ले गई थी ना? मैंने उसी से तो ये दही जमाया है। आपको ये दही चाहिए? हाँ, थोड़ा चाहिए, लेकिन मीठा है ना, क्योंकि साई को मीठा दही ही चाहिए। वो अभी तक 8-10 जगह से लाई दही को चक्कर बेस्वाद बता चुके हैं। है तो बैरागी, लेकिन मन की आंखों से देखो तो भगवान दिखेगा। वो नर के रूप में नारायण, एक तो ये आपके घर के दही से दही जमाया है, दूसरा मैंने ये दही पूरे मन से जमाया है। और कहते हैं ना, मन से बनाई हुई चीज हमेशा अच्छी ही होती है। शायद साई को भी पसंद आ जाए। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर उन्हें ये भी दही पसंद नहीं आया ना, तो मुझे शिरडी के बाहर जाकर ही उनके लिए दही लाना पड़ेगा। कल भाईसा काकी ने साई के बारे में बताया था, तब से बड़ी उत्सुकता हो रही है उन्हें देखने की। आखिरकार कौन है वो इंसान जिसे आप सब भगवान मानते हैं और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए इतने व्याकुल हैं? मेरे साथ खुद चलकर देख लीजिए, साई की द्वारका माई सभी के लिए खुली रहती है। मैं अभी चलूं? क्यों नहीं, अगर आप ये दही अपने हाथों से उन्हें देंगी तो उन्हें भी बड़ी खुशी होगी। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकती हूँ, चलती हूँ। आपको जितना दही चाहिए आप ले लीजिए। मुझे सारा चाहिए, दीजिए। अब चलती हूँ। मधुर धुन,
ये साई के बांसुरी की आवाज है। आओ। अद्भुत साई, ये रास्ता भटक गई थी, देखो तुम्हें देखकर कैसे खुश हो रही है। अब तुम इन्हें ले जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साई, मेरी मदद कीजिए। सब लोग से दही जमाया है आपने, मुझे नहीं खिलाएंगी? सारा सामान सही समय पे मंडी में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? चलो। ए लड़के, रुक, अंदर कहाँ जा रहे हो? ए, तमीज से बात कर, सरकार के पोते हैं ये, राजा नाम है इनका। राजा नहीं, प्रहलाद नाम है मेरा। कुछ दिन पहले प्रहलाद को गांव के कुछ बच्चे और एक फकीर के साथ खेलते हुए देखा था। ये इतने बड़े घर का बच्चा है, फिर उन लोगों के साथ क्यों? क्या कुलकर्णी सरकार भी उस फकीर को मानते हैं? भूल से भी उस फकीर का नाम इस वाड़े में मत लेना, सरकार नफरत करते हैं उससे। फकीर नहीं, बहुत बड़ा पाखंडी है वो, काला जादू करता है। सरकार के बेटे और उनके पोते पर भी काला जादू कर दिया उसने, तभी तो दोनों बाप बेटे सब कुछ छोड़ छाड़ के उस फकीर की सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के बेटे पढ़े लिखे नहीं है, छोटे सरकार के शव विलायत गए थे, वहां से पढ़ लिख कर आए हैं, चाहते तो बरिस्टर बन सकते थे, लेकिन उस फकीर के कारण यहां पर छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं और अपना आधे से ज्यादा समय गांव वालों की मुफ्त में मदद में गुजारते हैं। तुम इस गांव में नए आए हो, इसलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूं।
दूर रहना उस फकीर से। सही कह रहे हैं आप, मेरा भी सामना एक बार हुआ था उस फकीर से। अच्छा? मुझे तो पहले ही नजर में पसंद नहीं आया। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाए। आदमियों की परख है तुम्हें, समझदार लगते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, अपनी इसी बात पर कायम रहना, दूर रहना उस फकीर से, क्योंकि वो फकीर मौके की तलाश में रहता है और आदमी की सबसे कमजोर नस को पकड़ता है। एक बार जो फंस गया वो गया। आप बेफिक्र रहिए, उसकी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा, ना अपने आप पर ना अपने परिवार पर। सही कहा। साईं बाबा, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पहले दही आपको दे रही हूँ तो वो गलत नहीं होगा। आप ही मेरे पहले ग्राहक हैं। क्या स्वाद है, मानो कांधेरु गाय के दूध से यशोदा मैया ने बनाया हो। इसे खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्यों नहीं साईं बाबा। ये द्वारका माई है, यहां आने वाला हर इंसान, जीव जंतु सब एक समान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। फिर यहां भी ये पर्दा क्यों? साईं, इनके यहां रिवाज है, इनके घर की औरतें पुरुष क्या औरतों के सामने भी पर्दा नहीं हटाती। पूरा शिरडी मेरा परिवार है और आपने अभी मुझे साईं बाबा कहा, अपने बाबा से कैसा पर्दा? खाओ मेरी कसम। आपकी कसम? मैं किसी को भी अपना चेहरा देखने नहीं दूंगी। साईं, मैं समझता हूं, सुशीला सब ठीक तो है ना? हाँ काकी, सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर कान्हा छुपे हुए क्यों है? साई को कान्हा वाली बात कैसे पता चली? मैंने तो इसका जिक्र नहीं किया। आज बाजार में बहुत भीड़ थी, इसलिए आपकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और इसीलिए आज आप बाजार में दही बेच नहीं पाई। घर घर जाकर दही बेचिएगा, उससे बिक्री ज्यादा होगी। आपने तात्या से कहा पूरे मन से दही जमाया है तो अच्छा ही होगा। जो विश्वास आपको अपने दही के स्वाद पर है, वही विश्वास आपकी आवाज में झलक क्यों नहीं रहा है? झलकना चाहिए ना,
खुद के लिए, खुद की बनाई किसी भी वस्तु के बारे में जब आप पूरे यकीन से बोलेंगी तो फर्क दिखेगा। क्या इनसे कुछ भी नहीं छुपा? जी साईं। लेकिन मेरे लिए रोज ये दही लेके आइएगा। जरूर लाऊंगी साईं। अब से एक कटोरी दही आपके लिए रोज लाऊंगी। भूलिएगा नहीं, जब तक आप दही नहीं लाएंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं जरूर लाऊंगी साईं। अच्छा साईं, मैं चलती हूं। अच्छा साईं। मेरे साईं, कौन जान पाया, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। दही ले लो, ताजा मीठा दही ले लो। अरे सुनो दही वाली, दही देना। इतना ठंडा पानी, तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? इतनी सर्दी में अच्छा खासा आदमी भी ठंडे पानी से नहीं नहाता। फिर तो मैं छह रोग का मरीज हूँ। अरे मारने का इरादा है क्या? जाना गर्म पानी लेके आ। जा। इतने गर्म पानी से कौन नहाता है? जला के मारेगा क्या? कभी आपको पानी बहुत गर्म लगता है, कभी बहुत ठंडा, आखिर आप चाहते क्या है? अरे बेवकूफ, खुनखुना पानी डाल, खुनखुना पानी किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। आंखें तरेर का क्या देख रहा है? गुना पानी डालना, कैसे कर जाऊं मैं? सलाह बिल्कुल सही थी। घर घर जाकर बेचने से सारा दही जल्दी बिक गया। अरे दिल रख के मारेगा क्या? लाता हूं कपड़ा। जो थी अरे ये आप क्या कर रहे हैं?
तेरे गुरूर की तरह तुझसे चिपका रहूंगा, आसानी से नहीं हटूंगा। सेवा करनी है तो सेवा भाव भी रखना होगा। सुनबाई कहाँ रह गई? बड़ी देर हो गई है उसे गए हुए। ये चीटियां कहाँ जा रही हैं? क्या ढूंढ रहे हो साईं? कौड़ियां। क्यों? आज कौड़ियों के साथ खेलने का मन कर रहा है। हे भगवान, ये चीटियां तो कान्हा की मूर्ति की तरफ जा रही है। Thank you.
अच्छा तो इस गुड़ के वजह से चींटियां आ रही है। घर में गुड़ का टुकड़ा कहां से आया? मुझे तो लगा कि चींटियां जैसे कान्हा की मूर्ति की तरफ जा रही है, लेकिन अचानक से गुड़ कैसे गई सबके सब? सुबह तो इन्हें दही अर्पित करने का मौका ही नहीं मिला था मुझे, फिर दही इनके मुख पर कैसे? क्या स्वाद है, इसे खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई। धन्यवाद मुझे नहीं, साई का करो। साई? हाँ, इस गांव के हर किसी के साथ उसका एक अनोखा रिश्ता है। कोई उसे अपना भाई, कोई दोस्त, तो कोई गुरु मानता है। जैसे रिश्ता भगवान से होता है ना, वैसा ही। कान्हा, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि इतने सालों बाद आप साईं के रूप में मुझे मिले? आपने आज मुझे एक बार फिर बचा लिया। कहीं सासू भाई आपको देख लेती तो? कान्हा, क्या ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं मेरी समस्याओं के खत्म होने का संकेत तो नहीं? आ गए आप? दही बिका? जी, सारा दही बिक गया। आप काम से आए हैं, थके हुए होंगे। आप बैठिए, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है। कान्हा जी, आज सुनबाई कुछ बदले बदले नहीं लग रही है। मतलब? मतलब सुशीला ने एक ही सांस में इतनी सारी बातें तुमसे आखिरी बार कब कही थी? आई, आज वो बहुत खुश है, होना भी चाहिए। पहले ही दिन सारा दही बिक गया। अगर केवल यही बात है तो फिर ठीक है।
58 59 60। इसमें 60 कटोरी दही आता है और सुनबाई रोज 59 कटोरी दही के पैसे मुझे दे रही है। या तो वो इससे पहले मटका पूरा नहीं भरती होगी या फिर वो किसी को मुफ्त में दही दे रही है। जो भी हो आज पता चल जाएगा। अच्छा आई, मैं भी चलता हूँ। रुक बेटा। क्या तूने एक बात गौर की है? सुनबाई का व्यवहार आजकल काफी बदल गया है। जब से वो दही बेचने लगी है उसे एक भी गलती नहीं हुई है। पहले तो ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था जब उससे कोई गलती ना होती हो। आई, हम भी उससे यही उम्मीद लगा रखे थे ना कि उससे कोई गलती ना हो। इस बार शायद वो हमारी बातों को बहुत गंभीरता से ले रही है। ये तो अच्छी बात है ना आई। मैंने दुनिया देखी है बेटा, मुझे तो कोई और बात लग रही है। कोई और बात तो नहीं चल रही है। तू जाकर एक बार देख ले, मुझे तसल्ली हो जाएगी। हाँ, आप ना ये सास वाला नजरिया छोड़ दीजिए। और मुझे इतना वक्त नहीं है कि मैं अपनी पत्नी की जासूसी करूं। मुझे काम पे जाना है आई, और मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकती है। चलता हूं आई, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। ये मेरा बेटा कुंदन, इसका रिश्ता पक्का हो गया है। मैं इसे आपका आशीर्वाद दिलाने के लिए द्वारका माई ही जा रहा था। बधाई हो कुंदन। शुक्रिया साईं। एक बात याद रखना, लड़की अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आएगी। तुम्हारे परिवार को अपना परिवार बनाएगी। तुम्हारे आई बाबा को अपने आई बाबा समझकर सेवा करेगी। तुम्हारे भाई बहन को अपने भाई बहन जैसा दुलार देगी, सम्मान देगी। इसी तरह तुम्हें भी उसके आई बाबा भाई बहन को अपनाना होगा, सम्मान देना होगा। पत्नी को हमेशा अपनी जीवन संगिनी समझना, संपत्ति नहीं। सात वचन दोगे तो उन्हें निभाना भी। पत्नी को अपने से कम नहीं, बराबर समझना। हर वो बात जो तुम दोनों से जुड़ी हो उसमें उससे विचार विमर्श करना, उसकी राय सलाह लेना। और हाँ, हमेशा पत्नी का सम्मान करना। जरूर साईं। संता जी ने बिल्कुल सही कहा था।
इस फकीर को दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत है। बिना बात उपदेश दे रहा था बेचारे को। पत्नी को सम्मान दो, बराबर समझो, ताकि पत्नी हाथ से बाहर हो जाए। ऐसे तो चल गई गृहस्थी। अच्छा है सुशीला ऐसे लोगों से दूर है। इस गांव की धूल मिट्टी में रहकर मेरे पाँव की हालत देखो क्या हुई है, और मेरा चेहरा, चेहरे की तो पूरी रौनक ही चली गई है। हाँ छोटी मालकिन, मुझे भी आपकी चिंता होती है। आपके साथ मैं भी तो यहाँ फंस गई हूँ। तुझे अपनी पड़ी है, और मैं जो कह रही हूँ उसका क्या? आपका चेहरा खिलेगा तो बम्बई जाकर ही ना, लेकिन आपके त्वचा की सुस्की दूर कर सकती हूँ। मैं आपके लिए दही और शहद का लेप बनाती हूँ, देख लेना आपका चेहरा दमक उठेगा। सच में? तुम ये छोड़, जा जल्दी बना। जा जल्दी कैसे बनाऊं? उसके लिए मुझे बाजार जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सासू बाई ने सारा दही श्रीखंड बनाकर खत्म कर दिया है। फिर से श्रीखंड? और कुछ बनाना नहीं आता क्या उन्हें? आप परेशान मत होइए, मैं अभी गई और अभी आई। सुनो, अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गई, बाजार जाने की मेहनत बच गई। एक कुल्लड़ दही दे दो, छोटी मालकिन को चाहिए। माफ करना ताई, एक ही कुल्लड़ दही बचा है, और वो मुझे द्वारका माई जाकर साई को देना है। मुझे मना करने का मतलब, तू मेरी छोटी मालकिन को मना कर रही है, इस बाड़े की बहू को मना कर रही है। इस फकीर के लिए एक कुल्लर दही है, वो तो मुझे दे दे। उस फकीर से पहले मैंने मांगा है, उस फकीर का दही खाना इतना जरूरी है क्या? साई तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक मैं ये दही साई को नहीं दे देती। तो मैं ये दही किसी और को कैसे दे दूं? आपको दही चाहिए तो मैं आपके लिए कल सुबह सुबह लाकर दे दूंगी, लेकिन अभी के लिए मुझे माफ कीजिएगा। कौन थी वो? वो तो कानू जी की पत्नी थी। कानू जी? मुकादम की पत्नी? अफसरा सी सुंदर दिखने वाली औरत साधारण से दिखने वाले व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती है? कितनी बार कहा है तुझसे, एक भरा हुआ पानी का लोटा मेरे सिरहाने रखा कर, खास खास कर दम निकला जा रहा। लाना पानी लाना। और मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है, जब पानी खत्म हो जाया करे तो मुझे बता दिया करिए। दिन को चैन है, रात को सोने देता है,
जीना हराम कर रखा है मेरा। क्या भेड़ बकरी की तरह बक 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 किया जा रहा? सेवा करने के लिए आया है तो सेवा का भाव भी रखना सीख, सर झुकाकर आज्ञा का पालन करना सीख। सेवक को अधिकार नहीं होता है शिकायत करने का। खड़ा के आजा पानी ला। अरे मर जाऊंगा तब लाएगा पानी क्या? अरे जल्दी ला। धूप क्यों नहीं जाते इसमें? क्या कहा? ले रख। जा कहाँ रहा है? पैर दबा। बस हमेशा खुद की पड़ी रहती है। केवल आपको आराम चाहिए। मैं इंसान नहीं हूं, सुबह से काम कर रहा हूं, एक पल भी बैठने नहीं दिया आपने। जाइए, नहीं दबाता हाथ पैर, देखता हूं क्या कर लेंगे। क्या कर लूंगा? हाँ, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेंगे आप। मेरी जैसी भी हालत है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोहताज हूं तेरा। मैं नहीं गया था तेरे पास तेरी सेवा मांगने के लिए, कमबख्त तू आया था मेरे पास अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। मेरे दुख दर्द से तुझे कोई लेना देना नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन, स्वार्थ में लिपटी सेवा निरर्थक ही जाती है। उठ, निकल। नहीं चाहिए मुझे तेरी सेवा। मुझे बात करनी है आपसे। मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो समय निकालना पड़ेगा आपको मेरे लिए। याद है या भूल गए? मुझे यहां से जाने से मना करते समय आपने मुझसे कहा था कि मुझे शिरडी में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आप इस गांव के फिर से राजा बन गए तो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी यहां। कि किस बात के राजा है आप? बाहर के लोग तो छोड़िए, आपके खुद के नौकर तक मुझे मना कर रहे हैं। किसने मना किया बताओ मुझे? वो मुकादम कानो जी की पत्नी, उसने मुझे दही बेचने से मना कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दही वो उस फकीर के लिए बचा रही थी। उस फकीर ने तो मेरा जीना हराम कर दिया इस गांव में। पहले मेरे पति को मुझसे दूर किया, फिर मेरे बेटे को, और अब वो लोग जिनकी मुझसे नजरें मिलाने तक की औकात नहीं है, वो नौकर जाकर मुझे इनकार कर रहे हैं। इस गांव में आपकी चलती है और इस फकीर की, यही इज्जत है आपके इस गांव में? खुद को इस गांव के बड़े राजा कहलाते हैं आप? आपका रौब सिर्फ हम पर चलता है,